केंद्र सरकार द्वारा रेलवे विभाग के निजीकरण किए जाने को लेकर मथुरा में रेलवे में यूनियन के कर्मचारी भूख हड़ताल कर धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा छोटे कर्मचारी की तरफ ध्यान न देने और निजीकरण के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने के बाद प्राइवेट कंपनी के हाथों में 74% की भागीदारी दे दी है, जो कि पहले 49% थी। सरकार द्वारा निजी हाथों में ये सारी सुविधा देने के कारण अब कर्मचारी काफी परेशान हैं। और इसी बात को लेकर सरकार का ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कोरोना जैसी महामारी को लेकर सरकार द्वारा दिए गए नियमानुसार सैनिटाइजर, मास्क आदि का विशेष ध्यान रखा गया। ये सरकार के द्वारा जो निजी सरकारी संस्थान है उन्हें निजी हाथों में देने की पूरी प्लानिंग जो की जा रही है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम सरकारी वाहनों का कोई निजीकरण नहीं करेंगे, ना कोई निगम बनाएंगे, लेकिन एक तरफ सरकार जो है लगभग 74% जो अपना भागीदारी है सरकार की, जो 51% रहती थी, अब घटा के वो 26% रह गई है। और जो निजी कंपनियों की भागीदारी 49% थी उसको जो है उन्होंने 74% कर दिया है। जब सरकारी संस्थान से, सरकारी माध्यम से इस सरकार का अधिपत्य खत्म हो जाएगा तो सुरक्षा किस चीज़ की रहेगी? लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, हर क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाभ देने के लिए उन्हें प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। इसके चक्कर में हमारे जितने भी राष्ट्रीय संगठन हैं केंद्र सरकार के, जो ट्रेड यूनियन हैं, उन्होंने मिलकर फैसला लिया है कि आज 22 मई 2020 को पूरे भारतवर्ष में श्रमिक संगठन की ट्रेड यूनियन ने अपने अपने क्षेत्र में सवेरे 8 बजे से शाम को 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे और इसका विरोध करेंगे।